उस टिप्पणी की बात करेंगे जिस टिप्पणी ने भारत की राजनीति में भूचाल मचा दिया। देखिए, राष्ट्रपति पर अधीर रंजन के आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, सोनिया गांधी से माफी की मांग कर रही है। कल लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ, आज भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। एक बार से निकल चुकी, उस समय मैं पत्रकार को ढूंढने का कोशिश किया लेकिन वो मिला नहीं। पत्रकार की उनको कह दे कि भाई ये बात तुम मत। अधीर रंजन के मन में कितना विष भरा है ये दिख रहा है। एक बार से निकल चुकी, उस समय मैं। अधीर रंजन अपनी सफाई में कह रहे हैं कि उनसे सिर्फ एक बार चूक हुई है, लेकिन असलियत और अधीर रंजन की सफाई एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पहले जरा एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता और कांग्रेस नेता अधीर रंजन की बातचीत सुनिए। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता से बातचीत के दौरान अधीर रंजन ने एक बार नहीं बल्कि दो बार राष्ट्रपति के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं। हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। जब दूसरी बार आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया तो ऐसा लगा मानो जानबूझकर बोल रहे हो, तंज कस रहे हो। उसके बाद एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने टोका। राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अंकित गुप्ता के टोकने के बावजूद अधीर रंजन ने गलती सुधारने की जहमत नहीं उठाई। टोकने के बाद बयान वापस क्यों नहीं लिया, जब ये सवाल उठा तो फिर अधीर रंजन की फिर सफाई आई। क्या कहा जरा सुनिए। पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। उस समय मैं पत्रकार को ढूंढने का कोशिश किया लेकिन वो मिला नहीं। पत्रकार की उनको कह दे कि भाई ये बात तुम मत बोला। बीजेपी माफी मांगने के लिए कह रही है, बीजेपी कुछ बोल सकते हैं। मैं तो प्रधानमंत्री जी बुधवार की सुबह 12:30 बजे के आसपास जब कांग्रेस नेता विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे तब एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता अधीर रंजन चौधरी से बात करने पहुंचे थे। अधीर रंजन गलती मान चुके हैं लेकिन बीजेपी सोनिया गांधी से माफी की मांग कर रही है, लिहाजा आज भी सदन में घमासान के आसार हैं। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।